नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव अब है जो समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ है कि इस बार जितने भी जनता है इसने जितने भी पूर्व मुखिया हैं उनको दरकिनार करने का काम किया, यानी उनको बदलने का काम किया। इस बार बहुत सारे जो हैं नए चेहरे आए हैं, उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया जाएगा, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पूर्व बता दें कि इससे इस बार का जो चुनाव हुआ है 80 से 85% मुखिया का परिवर्तन हुआ है। कारण कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उनसे सभी लोग नाखुश थे। नए चेहरे आए हैं, नए चेहरों पर उम्मीद किए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपने पंचायत के लिए विकास करेंगे। पहले तो अभी हम आए हुए हैं पटना जिला, और पटना जिला में विक्रम प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम बोले तो दतियाना है, और दतियाना के ये मुखिया है मुन्ना पंडित। हालांकि उनसे मैंने संपर्क करने का कोशिश किया तो वो अभी क्षेत्र में निकले हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो उनके कार्यवाहक हैं मनोज कुमार, तो इनसे जानते हैं कि इस पंचायत के विकास के लिए क्या क्या योजना है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो नव वर्ष का बहुत बहुत बधाई आपको, जनता ने जो मुन्ना पंडित थे उनको चुनने का काम दिया है और आप देख रेख करेंगे, आपके नेतृत्व में जो भी इस पंचायत का विकास होगा इसको लेकर आप पंचायत के लोगों को क्या कुछ कहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी कि आप मेरे पंचायत में आज मकर संक्रांति के दिन पधारे, उसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई जी। देखिए, मैं इस पंचायत का मुखिया पहले भी मैं रहा जी, 1 से 6 तक मैं इस पंचायत का मुखिया था। उस कार्यकाल में जो काम हमसे हो सका, जो विकास हो सका वो तो किए ही, और जो अधूरा रह गया था उसके बाद सीट उस समय आरक्षित हो गई थी जिसके कारण मैं चुनाव फिर नहीं लड़ा। फिर इस बार मुन्ना पंडित जी जीत के आए हैं, जो हमारे बहुत ही करीबी हैं और हम पे बहुत विश्वास करते हैं। हम समझते हैं कि हम लोग मिलजुल कर इस पंचायत को सबसे ऊंची जो होता है प्रखंड का सबसे जो लेवल उस पे ले जाने का प्रयास करेंगे। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता तो होगी कि गांव का विकास। ए विक्रम पटना के नजदीक यहाँ गांव में विकास, बाहर से भी बहुत लोग जमीन खरीद बिक्री माने बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ये शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है पंचायत। हाँ, जो विक्रम है। हाँ, विक्रम पूरा प्रखंड, उसमें दतियाना पंचायत। दतियाना पंचायत जी जी। मैं उस समय एक रोड का निर्माण कराया था जो प्योर खेत था, मेरे द्वारा उस सड़क का निर्माण कराया गया। फिर विधायक जी से मिलकर उसको हम PMGS में वाई में करा के वो पक्की सड़क है। अभी ये दतियाना जो SS2 है इससे निकल के और वो गोरखी बलियारी एक पथ है उसमें हम मिलाए थे 1656 मीटर, जो अभी आप जाके देख भी सकते हैं। तो वो रोड होने से बहुत विकास हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जनता के बीच आप गए थे जी, तो कैसी कैसी समस्याएं पूर्व मुखिया के द्वारा जो कार्य था उससे सभी लोग नाराज थे, तो कैसी समस्याएं आई थी और उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? जनता के बीच तो बहुत समस्या है, गली नली, अस्पताल, स्कूल, यानी पूर्व मुखिया के द्वारा काम नहीं किया गया राशन। हाँ, बहुत तरह तरह के लोग मिले थे, हर तरह का शिकायत है पूर्व मुखिया के बारे में। अच्छा, तो वो सब हम लोग करेंगे, जितना बन सकेगा उतना करेंगे। सारा चीज जो भी होगा मेरा, हम लोगों का प्रयास होगा कि सभी जो भी है, जैसे राशन कार्ड है, राशन में भी बहुत शिकायत मिल रही है कि हमको पूर्ण जो सरकार के द्वारा दी जाती है उतना नहीं मिलके कम मिलता है, वो फ्री वाला होता है। हाँ, और उसपे करा लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें जनता को सजग होना चाहिए। जनता का साथ नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, सही बात। जनता मान लीजिए कि उसको 20 किलो अनाज मिलना है, 15 किलो अनाज मिल रहा है, वो ठेका लगा रहा है, हस्ताक्षर कर दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? तो हम जो जो लोग इस तरह का हमसे किए हैं सवाल, तो हम कहा कि पहले तो आप सावधान हो जाइए, वैसा मत कीजिए, लोभ में मत पड़िए, वैसा होता है आप मत लीजिए, मेरे यहाँ आइए, शिकायत कीजिए, आवेदन दीजिए, हम उसको कहेंगे, नहीं सुधेगा, अधिकारी उसके लिए नियुक्त है, MO है, STO है, एप्लीकेशन बना के देंगे कि देखिए भाई मेरे पंचायत में ऐसा हो रहा है, इस तरह से डीलर हो रहा है, सुधार हो जाएगा। लेकिन पहले तो भाई जनता के
हाँ जब तक जागरूक नहीं होगा, जागरूक आप नहीं होइएगा, हमको साथ नहीं दीजिएगा, हम अकेले कुछ नहीं करेंगे। कोई कार्यक्रम में जनता का साथ जरूरी है और हमको विश्वास है कि पूर्ण सहयोग मिलेगा सभी लोगों का। जी क्योंकि जनता ने आप पे भरोसा किया है तो निश्चित है कि जनता को जागरूक करने में आप सबको अपना वो कार्य करेंगे। अच्छा ये बताइए कि चलिए केंद्र सरकार और बहुत सारे केंद्र सरकार बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो तो आपको करना ही है जी। लेकिन ये बताइए कि आप जिस समय मुखिया थे उस समय के कार्य और बीच में जो गैपिंग हुआ इस दौरान की क्या स्थिति थी और इस बार आपने क्या कुछ सोचा है इस पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए कुछ विशेष? विशेष ऐसे तो सारी योजना जो चल रही है चलते ही रहेगी। हाँ, वो तो गली नली। विशेष में मेरा एक फोकस यही रहेगा कि इस गांव को रोड के मामले में और पंचायत को ऐसा बना दे कि हर खेत में रोड निकल जाए पंजाब की तरह। पंजाब की तरह जी जी, हर 500-250 मीटर के बाद एक रोड, मतलब पंजाब मॉडल को आप अपने। हाँ, मैं उस समय भी टारगेट था लेकिन एक ही रोड बना पाए थे और कार्यकाल समाप्त हो गया था। उस समय थोड़ा राशि भी कम थी, बाद में तो 15 साल का कार्यकाल जो आप बोल रहे हैं मेरे समय में ही अंतिम समय में मनरेगा आया था तो उसको हम लोग नहीं टेकअप किए थे। 85,000 रुपया आया था उस समय, हम देखे कि नया योजना है, अब नया जो मुखिया होंगे अपना करेंगे कैसे क्या है, रूल नहीं किए थे। बीच में ये मनरेगा जो आया है सर वो बहुत बड़ी चीज है। मनरेगा के द्वारा हम लोग रोड निकाल सकते हैं, चूंकि कच्चा वर्क उसमें ज्यादा करना रहता है, तो कच्चा निर्माण जब कर देंगे तो फिर तो बाद में उसको होगा ही ना। बहुत योजना है, पक्की होगा तो मनरेगा के द्वारा। तो आप चाहे तो केंद्र सरकार तो वो तो है जो मुखिया का जो आता है विधायक एमपी एमएलए के फंड से भी आप अपने पंचायत को। हाँ हाँ हाँ, हम विधायक एमपी एमएलए सभी का सहयोग लेंगे, सबके सहयोग लेके आप जितना ज्यादा विकास कार्य हो सकेगा मैं करने का। अभी तो कोरोना काल में थोड़ा विधायक सांसद का भी निधि को चलिए, हम लोग तो भाई भारत के नागरिक हैं तो सबसे पहले तो सुरक्षित अपने रहना है ना। कोरोना को लेकर क्या थी आपके पंचायत में स्थिति और कैसे आपको रोकने, जिस तरह से जो प्रधान सचिव हैं आमिर सुभानी जी ने कहा है कि 3 दिनों तक मास्क चेकिंग होगा और विशेष अभियान चलाया जाएगा कोरोना को लेकर, तो आप अपने पंचायत में कोरोना को लेकर क्या विशेष सोच रखे हैं, कैसे करेंगे? मेरे पंचायत में तो अभी पंचायत में नहीं है कोरोना का कहर, लेकिन अभी से ही हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। टाउन क्षेत्र में ज्यादा हो गया जी। हाँ, टाउन क्षेत्र में ज्यादा है चूंकि वहाँ आवागमन रहता है बाहरी व्यक्तियों का, गाँव में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन बहुत कम रहता है। अब जैसे शादी ब्याह का मौका आ रहा है उसमें होगा, उसमें थोड़ा, लेकिन सरकार का नियंत्रण है कि नहीं 50 लोग ही हो। जो गाइडलाइन है जो गाइडलाइन है कोरोना का, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर ये सब पालन कीजिए। शादी ब्याह होगा उसमें हम लोग यही जागरूक कर रहे हैं कि भाई शादी ब्याह हो रहा है ठीक है, लेकिन उसमें सावधानी पूर्वक कीजिए, डिस्टेंस फॉलो कीजिए, कोरोना से बचाव के लिए जो सरकार गाइडलाइन जारी किया है मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर रखिए और कम लोगों में ही शादी ब्याह करके अपना। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या यथास्थिति है और बेहतर कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत पुरानी है, मतलब हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं, हमको लगता है कि 100 साल पुरानी है। यही दतियाना गाँव में ही, उधर जाइएगा तो रोड पे ही है। उसका स्थिति बहुत जर्जर है, वो पुराना भवन तो टा गया, 2 रूम बना है, वो है वो तो जो है सो है। मेन है कि डॉक्टर और कर्मी को रहना जरूरी है हॉस्पिटल, तभी ना जनता का सेवा होगा। और डॉक्टर तो माने दिखाइए नहीं देते हैं कभी, अपना प्लानिंग जी जी निजी क्लिनिक चलाने के पे 1-2 महीना में 1-2 दिन दिखाई दे देते हैं। हम थे उस समय 2 डॉक्टर यहाँ पोस्टेड थे, एक बेटा के प्रकाश कुमार और अमरेंद्र कुमार, तो उस समय अभी पहले लोग नहीं उस तरह के रहता था, लेकिन वहाँ PDC के मीटिंग में हम ये मुद्दा उठाए और सब लोग के मौजूदगी, अधिकारी भी रहते थे PDC में, ये लोग हमको वचन दिया कि नहीं ऐसा अब नहीं होगा, आप हम कहे कि आप लोग रूटीन बना के 2 डॉक्टर हैं हमको दे दीजिए 6 दिन के। कौन दिन कौन रहेंगे, कौन टाइम से कौन, ये हम जनता को बताएंगे ना भाई, जाके आके तो फिर मालिक कैंप लगाएंगे तो कहेंगे भाई इस दिन इस टाइप के डॉक्टर होंगे तो ऐसा इलाज करवा सकते। हाँ, तो उस समय से वो लोग किए थे, हम जब तक रहे एकदम चला था ढंग से जी। हाँ, लेकिन अब सारी चीज में इसमें सुधार हो जाएगा जी। हाँ,
स्कूल के भी वही स्थिति है, उसका भी देख रेख किया जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। जानते हैं सही सही गाइडलाइन सही लोग रहेगा तो ठीक हो जाएगा। सही बात। उन लोगों को पहले तो हम मिलके समझाएंगे कि देखिए भाई, सरकार आपको वेतन देती है काम करने के लिए ना, काम कीजिए। पढ़ाने के लिए बच्चों को दे रहे हैं, आप अवेयर नहीं कीजिएगा, स्कूल में टाइम नहीं दीजिएगा, कैसे पढ़ाई होगी। हॉस्पिटल है तो वहाँ आप अवेयर नहीं कीजिएगा, लगातार क्लिनिक खाली चाहिए। यहाँ आप टाइम दीजिए, यहाँ टाइम दीजिए, उसके बाद यहाँ से जाइए तो क्लिनिक अपना चलाइए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कई लोगों को मकान जो पूर्व में दिया गया था, हम चुनाव से पूर्व भी आए थे और आम जनता से भी लोगों से बात किए तो कहा कि मुखिया जी तुम देखकर काम करते थे, इस बार हम परिवर्तन दिखाएंगे। इससे पूर्व भी हम लोगों से बात किए थे तो जनता ने करके दिखाया, जिसने कहा वो करके दिखाया, तो आप चयनित कैसे करेंगे? उसमें देखिए सर, कुछ अभी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो उसका सहायक है, इंदिरा आवास का सहायक, वो लड़का एक दो दिन आया था तो पुराना लिस्ट लेकर आया, हाँ मेरे पास आ रहा है, कह रहा है कि यही में से होगा। हम कहते हैं नया बनने का क्या होगा, फिर तो जनता हमी को कोसेगी कि आप आए तो कहाँ बदला हो रहा है। वही लोग को तो कह रहा है कि ना इसमें से आप कुछ काट सकते हैं जो गलत है, लेकिन यही लिस्ट है, तो यही लिस्ट चलते रह जाएगा 5 साल तक, तो 5 साल नहीं लेकिन साल भर तो कम से कम जरूर खींचा जाएगा। तो अभी उसमें हम कुछ किए नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है। आप ये कर सकते हैं कि जो जिसका नाम दिया हुआ है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर जेन्युइन है, गरीब बंदा है तो उसको कीजिए, हाँ देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संपन्न है तो ये ठीक नहीं है। हाँ, तो आप चयनित कर सकते जी। हाँ, यही हम सोचते हैं सर, उसमें जो है कि गरीब है, लाभान्वित होने लायक है, उसको हम करेंगे कि हाँ इसको कीजिए, और जो गलत तरीके से उसमें नाम है, अब एक एक परिवार को, एक एक परिवार में तीन तीन लोगों का नाम, तीन तीन लोगों का नाम, चाहे जिनका इंदिरा आवास पहले बन गया है उनका दोबारा नाम है, या जो लोग जो संपन्न है उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिनको नहीं बनना चाहिए, बहुत गरीब है जिसका आवास नहीं बना है और उससे बहुत संपन्न है उनका इसमें है ना। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लास्ट सवाल मैं करता हूँ कि जनता ने, कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? मैं अपने पंचायत के लोगों को संदेश के रूप में कहूंगा कि वोट करना न करना वो आपका मत था, अधिकार था, लेकिन वोट करने नहीं करने से हम पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे सरकार होती है, मान लीजिए कि बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो वोट उनको नहीं किया, क्या उनके काम वो नहीं करते हैं? मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या वोट उनको लोग नहीं किया है, उनका काम नहीं होगा? हम उस सब से परे होके निस्वार्थ और सब जनता को एक तरह से देखेंगे, और जो उचित हमको लगेगा वो काम, हमको वोट दिया हो ना दिया हो, सभी का काम, सभी का काम। जी जी जी, यही हम संदेश देना चाहते हैं पंचायतवासियों को। 9 वर्ष के उपलक्ष्य, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में यही संदेश है, और जितना हमसे बन सकेगा पंचायत के विकास में, मैं 5 साल तक निरंतर अपने मुन्ना जी के सहयोग से हम लोग लगे रहेंगे। जी हाँ, और कार्य करेंगे। तो आपने सुना कि ये थे मनोज कुमार जी, जो कार्यवाहक है, मुन्ना पंडित है जो कार्य देख रेख करते हैं, हालांकि इन्हीं के परिवार के हैं, मतलब जो देख रेख करते हैं, हालांकि वो अभी चूंकि मुखिया बने हैं तो उनका दायित्व तो बनता है कि हर घर जाएं, वहाँ के लोगों की समस्याएं उनको सुने और हर समस्या का समाधान करें। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, और वहाँ के मुखिया से भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है ऐतिहासिक कार्य को लेकर, क्या कुछ है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तमाम मुद्दों पर उनसे भी बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।